अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव। इसमें जो है वेजिटेबल भी डालेंगे। बेसिकली इस यखनी पुलाव होगा, इसमें वेजिटेबल होगी, जिसके लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने जो है गोश्त को, जो है हड्डियाँ वाला गोश्त, उसको बॉयल कर लिया था। इसमें जो है ये बॉयल और इसका इसमें यखनी बना के, इसको यहाँ पर 2.5 कप की यखनी बना के रख ली है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये सब चीज़ें, ये मेरे पास फूल गोभी है वो मैंने काट के रखी हुई है, ये मेरे पास कड़ी लीव्स हैं, ये मेरे पास कड़ी लीव्स 1 स्पून कड़ी लीव्स रखा हुआ है, फूल गोभी जो है 2 एंड हाफ कप फूल गोभी काट के रखी है साफ़ करके, ये मेरे पास 1 आलू है जिसको मैंने बॉयल करके पीसेस बना के रखे हैं, 1 बड़ी अनियन जो है उसको मैंने काट के रखा हुआ है छोटी छोटी करके, ये मेरे पास मटर और मिक्स वेजिटेबल है वो मैंने धो के साफ़ करके रखी है 2 कप्स, 1 कप जो है मेरे पास धनिया साफ़ किया हुआ रखा हुआ है, तो 2-3 पीस मैंने लेमन के काट के रखे हैं। यहाँ पर वेजिटेबल है मेरे पास 2 कप जो है मटर हैं, 2 कप पीस, और 2 ग्रीन पेपर्स हैं जिसको मैंने काट कट के रखा है, 4 या 5 मशरूम्स हैं जिसके जो मैंने छोटे छोटे पीस करके रखे हैं, और कैरेट्स भी छोटी छोटी फाइनली कट करके रखी हुई है, और मेरे पास जूलियन कटी हुई अदरक है और जिंजर है वो उसको मैंने काट के रखा ये सर्व करने के लिए, और मेरे पास जो है 4 मीडियम साइज़ के टमाटोज हैं जिसको मैंने काट के रखा हुआ है छोटे छोटे पीस बना के, वो इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर जो है मेरे पास ऑयल है जो कि 2 एंड हाफ स्पून है, 1 एंड हाफ स्पून घी है वो मैं यूज़ करूँगी, और 2 स्पून जो है मेरे पास लेमन जूस है, और यहाँ पर जो है मेरे पास रेड थोड़ी सी प्याज है वो भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। यहाँ पर मेरा पानी रखा हुआ है, ये मेरे पास गरम मसाला है, खड़ा मसाला जो कि बे लीव्स हैं इसमें है, इसमें 1-2 बे लीव्स हैं, और इसमें जो है ये सिनेमन का पीस है, यहाँ पर क्यूमिन सीड है, और मेरे पास लौंग है, और काली ब्लैक पेपर, और जो है छोटी छोटी इलायची 2 रखी हुई हैं, 4 रेड ड्राई पेपर्स हैं, और टर्मरिक पाउडर है 1 टीस्पून, और 2-1.5 स्पून गरम मसाला है बस, और यही सब चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। मेरे पास 1/2 टीस्पून जो है हरी पेपर वो मैं इसमें डालूँगी मिर्चों के लिए, क्योंकि इस सूप में मैंने, उस जूस में मैंने जो है ना रेड मसाला डाला हुआ है, एक चम्मच, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा मिर्चों की। ये सब काम करने के बाद जो हम पकाना शुरू करेंगे, ये सब इंग्रेडिएंट्स के बाद 2 स्पून जो है मैंने इसे पैन में डाल दिया है, और खाने का ऑयल कोई भी आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, और इसमें जो है आप 1 स्पून छोटा सा घी भी डालती हूँ, 1 स्पून में एंड में डालूँगी, चला गया पुलाव में सब चीज़, ज़रा सा ये गर्म होता है तो मैं इसमें सारे मसाले आपके सामने डालना शुरू कर दूँगी। हाँ देखिए, थोड़ा तेल को गर्म हो जाए, हमारा तेल और घी जो इसमें डाला हुआ है। अब इसमें मैं सबसे पहले बे लीव्स डाल रही हूँ, उसको तेज पात बोलते हैं, वो चले गए, 2 बे लीव्स गले हैं, ठीक है। ये 4 छोटी बड़ी ड्राई रेड पेपर्स हैं, 1 जो है सिनेमन का इतना पीस डालती हूँ, ये तो सिनेमन का पीस है, और ये छोटा सा और, और इसमें जो है मैंने 4 लौंगें डाली हैं, 2 इलायची छोटी वाली ग्रीन वाली डालती हूँ, और जो है इसमें मैं ये डालूँगी ज़ीरा, 1 टीस्पून चला गया। इसके साथ साथ मैं ये लहसुन जो है फाइनली चॉप किया हुआ है वो 6 जवे वो इसमें डाल रही हूँ, 6 जवे लहसुन के। इसके साथ साथ मेरे पास ये कड़ी लीव है, कड़ी के पत्ते 1 चम्मच वो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये ज़रा सा बन रहा है, इसको बन रहा है। ये हमारा बड़ा मज़ेदार सा यखनी पुलाव बन रहा है, इसमें डाल वेजिटेबल भी डालेंगे। तेज़ हो रहा है ना, तो इसको बंद कर रही हूँ। अब थोड़ी सी जगह से ये हो गया, इसमें मैं 1 स्पून
हर एक स्पून जो है ये वाइट अनियन डालूंगी, वो चली गई। जो अनियन और जो चीज़ें डाली थी ना मैंने, वो इतना गहरा रेड करना पड़ता है पुलाव के लिए। बहुत अच्छा सा सारा मसाला हो गया है, देखें आप। अब मैं इसमें वन बाय वन चीज़ें डालती जाऊंगी। सबसे पहले तो मेरा जाएगा ये मसाला जो मैंने आपको बता दिया था, तो ये सारा मसाला चला जाएगा। हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है और सॉल्ट, और इसमें मेरा जिंजर और ये जिंजर होगा, जिंजर और गार्लिक का क्रश किया पेस्ट जो कि मैंने आपको बताया था वो भी, और मेरी हरी मिर्च भी इसी वो डाल दी, वो सारा चला गया। अब हम जो है इसको जल्दी से घुमाएंगे और अपनी सारी सब्जियां इसमें डालना शुरू कर देंगे। हमारा टोमेटो जो है वो भी चला जाएगा इसमें, हमने सारा टोमेटो डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें जो हम सब्जी डाल रहे हैं ये गोभी चली गई, लंबा लंबा सारी सब्जियाँ इसमें चली जाएंगी। फिर हमारे एक पोटैटो है जो कि मैंने इसको काट के बॉईल करके पीस के रखा था, बॉईल करके छील के ये डाल दिया। वेजिटेबल जो चली जाएगी इसकी सारी, ये चला गया। हमारे पास ये कैरेट कटे हैं वो भी जाएंगे, और हमारी ये मशरूम भी चला जाएगा इसके अंदर। और लास्ट में हम लोग जो हम डाल देंगे इसके अंदर, देखिए अपने हमने चावल जो है 2.5 कप भिगो के आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया है। अब इसमें जो है चावल चले जाएंगे। सबसे पहले हम यह यखनी का पानी इसमें डालेंगे, सारी चीज़ें इसमें चली गई। यखनी हमारी चली गई, टू एंड हाफ कप यखनी ये हमारी इसके अंदर चली गई। हम इसमें जो एक पेपर जो है सरेलो पेपर इसके छोटे छोटे पीस करके रखे हैं वो डाल देते हैं इसके अंदर। अब जो है हम चूल्हे को ज़रा सा तेज़ कर लें। खूबसूरत ये सब्जी लग रही है, और इसमें जो है चावल जो है इसको चावल हम चावल जो है ले पानी से इसी में हमारे चावल चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 कप मैंने इसको आधे घंटे के लिए सो करके रख दिया था धो के, ये इसमें चले जाएंगे। बस पानी सिर्फ हम जो पानी एक और ग्लास डालेंगे। 2.5 कप हमारी यखनी गई, इतनी सारी वेजिटेबल गई, हमें 6 से 8 मिनट तक पकाना होगा, फिर आपको बताते हैं। चलें देखें खाना जो है 10 मिनट के बाद अब ये जो है खाना दम पर हो गया है, और मैंने इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ये धनिया जो है छिड़क दिया है ऊपर से जब गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी चीज़ें प्लेटर में डाल के मैं गार्निश कर देती हूँ। ठीक है, ये अच्छा खाना जो है बहुत अच्छा बन गया है, मैं इसको डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपनी प्लेट में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का कितना अच्छा खाना बना है। ये है तो यखनी पुलाव, लेकिन इसमें मैंने वेजिटेबल भी बहुत सारी डाली है।
देखिए अब इसको जो है मैं ऊपर से गार्निश करूँगी अपने थोड़ी पेपर से, थोड़ा पुदीना, और मैं पाइनएप्पल लगाऊंगी इसके ऊपर, पाइनएप्पल और चेरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी इसके ऊपर पेपर थोड़ी सी चली गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमने थोड़ा सा पाइनएप्पल काट के यहाँ पे रखा है, वो इसको लगा देंगे। ये हमारा मज़ेदार सा पुलाव विद वेजिटेबल यखनी पुलाव बन गया। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और इसको बहुत खाने में मज़ा, आप बहुत से पुलाव बनाए होंगे लेकिन ये बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा मसालेदार है, बहुत अच्छा पुलाव है, बिरयानी भी इसको कह सकते हैं आप, लेकिन बहुत मज़े का है, इसको ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो जो है मुझे जो है सब्सक्राइब कर देना, और अपनी दुआओं में याद रखना, और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।